दो गांव के बीच में बरगद का पेड़ था, तो यहाँ के लोग बोलते थे कि वो बरगद का पेड़ में भूत रहता है। बाद में पता चला कि वो जगह में यूरेनियम है, तो उस समय भी हमारे लोगों को रेडिएशन के बारे में मालूम था, लेकिन भूत के रूप में। अब यहाँ माइनिंग होने के बाद में पूरे क्षेत्र में भूत फैल गया। जादूगोड़ा, झारखंड में पूर्वी सिंहभूमि जिले का आदिवासी इलाका, जहां UCIL कंपनी ने 1967 में माइनिंग शुरू की थी। लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते जादूगोड़ा माइंस के आसपास के इलाकों में सैकड़ों विकलांग बच्चे नजर आने लगे। ये जन्म से ही विकलांग है, पैदे हुए हैं, और हमने अपना स्तर से डॉक्टर के यहाँ गए थे चेकअप कराने के लिए। इसका इम्प्रूव नहीं हो पाया है। माइन सामने है, यहाँ टेलिंग स्पॉन्ड भी है, और हम पहले काम भी कर चुके हैं। हमें तो खुद हम अपने आप में एहसास हो रहा, कहीं हमने उस रेडिएशन इलाका क्षेत्र में काम करके तो इस तरह के बच्चे ना पाए। आखिर ये रेडिएशन इन इलाकों में फैला कैसे? जादूगोड़ा माइंस का ये टेलिंग पॉन्ड, जहाँ यूरेनियम निकालने के दौरान पैदा हुआ मलबा फेंका जाता है, अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम निकलता है तो 1,750 किलोग्राम रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। UCIL की अपनी रिपोर्ट भी ये कहती है कि स्टेलिंग पॉन्ड में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इससे निकली जहरीली रेडोन गैस हवा के जरिए लोगों के फेफड़ों में पहुंच रही है। क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जादूगोड़ा के गांवों में 1 मिलीसीवर्ट प्रति वर्ष से ज्यादा रेडिएशन पाया गया। टेलिंग पॉन्ड्स के आसपास ये 10 मिलीसीवर्ट से ज्यादा था। 50 से 100 मिलीसीवर्ट के संपर्क में आने पर कैंसर का खतरा हो सकता है। व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी खतरा हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके बाद व्यक्ति छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता। गर्भपात, वक्त से पहले डिलीवरी, मरे हुए बच्चे पैदा होना इसका लक्षण है। सलमा सोरेन को 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, बुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए, और शांति कहती हैं कि उन्हें 5 बार बिना किसी वजह के गर्भपात होता रहा। अभी ऊपर से रास्ता बना दी गई है, और पहले नीचे बीचों बीच से जाना पड़ता था हम लोग को, तो उसी के चलते हमको लगा ना कि यूरेनियम जो है रेडिएशन के, और सबसे शायद मेरा भी उसी के चलते ऐसा हो रहा था। छतुआ दास की विकलांग बेटी से BBC की एक टीम की मुलाकात 2006 में हुई थी। वो बेटी अब जिंदा नहीं है। कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग कुर्बानी दे दिए हैं, और मेरी बच्ची जैसे जो है देश के लिए कर्ज उठा रही थी। हम लोग देश के लिए मर रहे हैं, अब बड़े अफसर लोग बोझ गए। 12 साल पहले तुरामडी माइंस के पास भी टेलिंग पॉइंट बनाया गया। इसके आसपास आबादी नहीं होनी चाहिए, मगर जादूगोड़ा और तुरामडी दोनों ही टेलिंग पॉइंट्स के आसपास आज तक सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। टेलिंग पॉइंट का पानी दीवार टूटने से, कभी पाइप फटने से, तो कभी बरसात का पानी ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बह जाता है। चिट्टी कोचा इलाके के लोग बताते हैं कि उनकी जमीन 1997 में कंपनी ने ली थी, लेकिन आज तक उन्हें कहीं और नहीं बसाया जा सका। डैम का पानी डैम बना, डैम से चला जाता है उधर, और वही पानी हम लोग का घाट तक आ जाता है वर्षा का टाइम। और कहाँ घाट बनाया जा, धोबुनी बोला था पुनर्वास के लिए, कोई जगह भी नहीं दिया अभी तक। इस इलाके में रेडिएशन के बुरे असर को लेकर कई रिपोर्टें आई, जिनमें भारत के शोधकर्ताओं के अलावा जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी शामिल है। ये सभी रिपोर्टें बताती हैं कि यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व आसपास रहने वाले लोगों में, मवेशियों में और नदियों में पहुँचता रहा है। UCIL ने कोई वीडियो इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन उसके अधिकारियों ने मुझे बताया कि ये जो अफवाहें रेडिएशन को लेकर उड़ाई जा रही हैं, वो भारत की न्यूक्लियर पावर के खिलाफ सक्रिय लॉबी उड़ा रही है। उन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया है, 3 स्कूल, 3 अस्पताल बनवाए हैं। जो लोगों को समस्या है वो उनकी गरीबी और कुपोषण की वजह से है। हालांकि टेलिंग पॉइंट के आसपास की रिहाइश को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनके पास कोई साफ साफ जवाब नहीं था। तिरे तिरियो बना माते बीरी बुरु अड़े कोरे। परमाणु ऊर्जा की अहमियत इससे समझिए कि UCIL प्रधानमंत्री दफ्तर के तहत काम करती है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि इस समस्या पर एक स्वतंत्र जांच होती और इस पूरे इलाके के लोगों की मेडिकल रिपोर्ट बनती, लेकिन आज तक किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई।